And finally, here's the home tour video you wanted from so long. I'm so sorry for the delay, because वो delay होता गया और आप लोग पूछते गए कि कब आ रहा है home tour video. But I'm really sorry. मैंने सोचा कि दिवाली में home tour video कर देती हूँ, क्योंकि कभी घर सजा हुआ होता है. So yeah, without any further ado, let's get started. Start करते हैं right side से. तो यहाँ पर मैंने सिर्फ simple रख दिया है. जो ये जो मैंने बुद्ध की पेंटिंग ली है, मैंने अमेजोन से ली थी. ये प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड गाइस, क्योंकि बहुत फटाफट फूट रहे क्रैकर्स वगैरह की आवाज है. सो यार हां दीदी, तू कितनी छान दिखती. थैंक यू. सो यार ये पेंटिंग मैंने अमेजोन से ली थी, और इसकी होम डेकोर हॉल वीडियो मैंने की है. अगर आपको इनकेस लेना हो तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, आई विल लिंक दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है, बुद्ध सेट में आई थी. और इसके साइड में मैंने आदिति का गिटार अटैच किया, क्योंकि यहाँ बहुत ही ब्लैंक वॉल लग रही थी, तो मैंने सोचा कि गिटार अटैच करते तो बहुत ही अच्छा एस्थेटिक लुक आ गया है गिटार लगाने के बाद. और इसको बर्थडे गिफ्ट मिला था मम्मी से. सो या इसके बाद हम आगे आएंगे तो आपको इतनी सुंदर मंदिर दिखेगा, जो मेरे मम्मी ने इतने प्यारे तरीके से सजाया हुआ है. आप देख सकते हो फूलों से वगैरह. और तिकड़े दाखवा, फराळ जे आम्ही खूप काय बनवलेलं आहे, शंकरपाळी आहे. आम्ही घरी काय 5 पदार्थ बनवले. बेसनचे लाडू मला खूप आवडतात, करंजी, चकली, शंकरपाळी, परत काजू कतली आम्ही बाहेरून आलो, गुलाबजामुन मी स्वतः बनवला ते. सो या त्याच्यानंतर आपण ही वॉल बघूया. तो एस्थेटिक वाला वॉल जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये जो बॉटल है मैंने पुणे में से लेके आई थी लोकल स्टोर से. सो उसके अंदर ऐसे लाइटिंग वगैरह है, फेरी लाइट्स. रात में हम सब लाइट जब ऑफ कर देते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है. और मम्मी का आइडिया था ये, जो मम्मी ने आइडिया मुझे दिया कि इसके साथ थोड़ा ग्रीनरी लगने के लिए फेक लिप्स लेके आते. सो उसको रोल अप किया और बहुत ही प्यारा लग रहा है. सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस ब्यूटीफुल कर्टन्स, जो मेरे चॉइस के बनाए हुए हैं, कस्टमाइज है. मुझे बहुत ऐसे लाइट कलर में चाहिए था और मुझे जैसे ही मिल गया. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, आई कांट हेल्प. बट या ये ग्रे कलर में है, बट ये शाइन करते हैं इसलिए ज़्यादा पर्पल टाइप पर्पलिश टाइप दिखते हैं. बट ये ग्रे है, यहाँ ब्लू किया है और यहाँ फिर से ग्रे किया. सो इसके साइड में ही ये वॉल पे सेम ऐसे दो हमने शेल्फ लगाए हुए हैं सेम. और इसके नीचे ये अच्छा बड़ा बड़ा प्लांट, सो ब्यूटीफुल प्लांट मैंने लोकल स्टोर से मंगाया था. सो या लोकल स्टोर से मैंने लिया था, मैंने एक ब्लॉग में दिखा भी था. बाहर भी आपने देखा होगा एंट्री गेट के बाहर मैंने एक प्लांट लगाया हुआ है, यहाँ पे भी है. और इसके ऊपर भी मैंने फेरी लाइट्स लगाए हुए हैं. पास आके देखो. सो मैं जब भी शूट करती हूँ, अगर फोटोज लेनी हो तो मुझे ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा पसंद है. जिसके बाजू में ही मेरी रिंग लाइट है, जो कि इतनी बड़ी है, बट मैं मुझे जब भी वीडियोज़ वगैरह शूट करने होते हैं तो मैं उसको हाइट बढ़ा देती हूँ, अगर नहीं करने होते तो छोटी देती हूँ. तो अभी आता है सबसे मेन पार्ट, जो हमारा हॉल का है, मेन हॉल वॉल, जो मैंने आपको कितने दिनों से दिखाया है, बट स्नैप पे वगैरह आपने देख लिया होगा. सो या दिस इज द प्रीटी वॉल हियर. दिस इज द प्रीटी वॉल जो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया है. मैंने उनको मैंने जो पेंटिंग वाले अंकल थे उन्हें मैंने बताया था कि मुझे ऐसे ब्लूइश कलर में कुछ तो चाहिए. सो उन्होंने ब्लू कलर कर दिया और यहाँ पे ऐसे कुछ तो डिजाइन कर दिया, वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा. दिस इज द टू फ्लावर जो प्रिंट करवाया हुआ है स्प्रे से, बहुत ही प्यारा लगता है. और मैंने ये दिवाली के लिए स्पेशली केक फ्लावर्स लाए हुए, बहुत ही प्यारे लगते हैं. ये मैं अगले साल भी यूज करूंगी फॉर श्योर, और वीडियोस के लिए भी काम आ जाते हैं. सो इसके बाद ये किसने लगा हुआ है, आई डोंट नो, मेरी मम्मी. सो या मैंने ये शेल्फ भी आपको बताया था अमेजोन से मैंने लिया था. और यहाँ पे मेरी मम्मी फराळाचा काढते है.
ये शेल्फ मैंने आपको बताया था होम डेकोर हॉल में भी। सो यार दिस इज द शेल्फ और ये दो फेक बॉन्साई प्लांट्स लाए थे हमने लोकल स्टोर से। और ये जो पेंटिंग इतनी ज्यादा प्यारी पेंटिंग मेरी बहन के फ्रेंड ने बनाई है, सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग सिद्धि। सो इसके बाद आता है ये दो स्पीकर जो हमने अभी अभी दो दिन हुए स्पीकर लेके, बहुत ही ज्यादा प्यारे स्पीकर है, इतना ज्यादा आवाज आता है, बहुत गए है। और इसके बाजू में मम्मी ने ये छोटू सा फ्लावर पॉट लगाया हुआ है। इस स्पीकर के साथ साथ हमने ये भी लिया हुआ है माइक, इसके साथ आया है। सो या हेलो हेलो सो या ये दो स्पीकर हमने लिए थे और इसके साथ ये माइक आया था। और मैं अभी आपको आवाज दिखाती हूँ, ये दो स्पीकर का इतना ज्यादा आवाज आता है। गाइस मैं आपको अभी आवाज दिखा देती हूँ स्पीकर का। मैं देख लिया आवाज बहुत ही ज्यादा साउंड बाहर है। और ये ब्यूटीफुल आर्ट किया हुआ है शुभ एंड लाभ। और ये भी कैंडल जो बहुत ही प्यारी है, स्मेल कैंडल है इसकी, बहुत ही स्मेल आती है। और इसका स्मेल आएगा लेवेंडर है, मैंने ये भी बताया था होम डेकोर हॉल में, इतना प्यारा हॉल है। और इसके बाजू में यहाँ पे ये सुंदर सा मम्मी ने लिया हुआ है पुणे में से, हम लोग लक्ष्मी रोड गए थे तभी ये हमने 150 या 200 में लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे बहुत एम्प्टी स्पेस लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। सो या दिस इज द थिंग एंड यू कैन सी। एंड इसके बाजू में ही यहाँ पे एंटर करते हुए आपको यहाँ पे अच्छी खासी एस्थेटिक वाली क्लॉक दिखेगी ब्लैक कलर में। सो या और द मेन थिंग इन दिस हॉल इज द पीओपी। सो गाइस दिस इज द पीओपी, हम लोग ने बहुत ही सिंपल रखा है पीओपी, ज्यादा कुछ नहीं किया है। सो गाइस ये रात में बहुत ही प्यारी लगती, मैं आपको बता देती हूँ। सो या गाइस इतनी ज्यादा प्यारी लग रही, इतनी ज्यादा बर्थडे पार्टीज हो या कुछ भी पार्टी हो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। एक चीज भूल गई मैं, टीवी के ऊपर ही हमारी फैमिली फोटो है जो हमने मामा के शादी में ली थी, बीच वाले मामा के शादी में, वो हमने ऊपर लगाई हुई है, बहुत ही प्यारी है। सो या माय ब्यूटीफुल गैलरी, दिवाली के वजह से बहुत ही ज्यादा सामान हम लोग ने गैलरी में रखवा दिया। सो या दिस इज द पीछी 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 गोइंग ऑन हियर। मैंने ये भी अमेज़न से मंगाया था, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, यहाँ पे गंदी लगा हुआ है। और ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड वाला पेड़ है जो मम्मी ने लगाया हुआ है। यहाँ पे मम्मी की मशीन है, टेलरी मशीन, यहाँ पे कुछ ऐसे लगाया हुआ है, इधर हम उसे फोटो लगाएंगे। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसर असर, ये हुआ अब इन में ही डूब के हो जाऊं पर यही है दुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किचन का पार्ट। किचन में इतना ज्यादा कुछ किया नहीं हम लोग ने, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं, सेम ही है जैसे पहले था, सिर्फ कलरिंग की हुई है। सो या आप आइए यहाँ पे। सो दिस इज द फ्रिज, यहाँ पे हमने फ्रिज रखा हुआ है। इसके बाजू में ये जो पेंटिंग हमने की है पिस्ता कलर में की थी, पहले हमने की थी ऐसे कलर में जो बहुत ही ज्यादा सेम लग रहा था, टाइल्स और वॉल की पेंटिंग सेम लग रही थी, तो मैंने फिर से चेंज करवा दिया और पिस्ता कलर लगवा दिया जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो यार दिस इज द किचन जो कि बहुत ही मैसी है अभी क्योंकि दिवाली है, सो सब कुछ यहाँ वहाँ उतर पुतर हो चुका है। सो यहाँ पे है हमारा माइक्रो ओवन जो हम बहुत ही कम यूज करते हैं, कभी कभार यूज करते हैं बेकिंग वगैरह कुछ करना हो तो। और यहाँ पे कुकरी के सामान है, तो दिस इज द थिंग हियर एंड हियर आल्सो। मम्मी ने बहुत प्यारे तरीके से लगाया हुआ है
बहुत कम यूज करते, जब भी गेस्ट आते तभी हम वो यूज करते। सो यार दिस इज द किचन का पार्ट। और ये भी कैमरामैन हमें बता रहे हैं कि क्या क्या रह गया, मैं भूल जाती हूँ। बट यार दिस इज द थिंग जो हमने नया फिल्टर लिया हुआ है लाइटिंग का। इसमें लाइट भी लगती है, इसे जब भी हमें पानी भरना होता है तो ऐसे ऑन करना होता है। सो यार पहले बहुत ओल्ड वाला था, वो दे दिया हम लोग ने, सो ये न्यू लिया। सो यार दिस इज द किचन जो बहुत ही मैसी है, नीचे तो मत ही दिखाओ। अभी हम दिखाएंगे बेडरूम का। सो यार लेट्स गो। सो दिस इज द बेडरूम का पार्ट। मैं अभी फिलहाल दिखाने के लिए लाइट ऑन कर देती हूँ। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ लेफ्ट साइड से। सो यार ये लेफ्ट साइड में है ये प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पे मैं ऐसे मेकअप करती हूँ और ऐसे लिपस्टिक लगाती हूँ। और इसी के बाजू में है ये फर्नीचर जो बहुत ही 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए हमने बनवा के लिया था जब हम यहाँ पे आए थे। ये ड्रेसिंग टेबल और बेड फर्नीचर और यहाँ का भी फर्नीचर हमने बनवा के लिया था। सो गाइज ये बेडरूम की मेन वॉल है, जैसे बाहर हॉल में जैसे मेन वॉल है वैसे ही मैंने ये अभी 2 दिन हो गए, मैंने रील्स में भी डाला है पोलराइड फोटोज की, बहुत ही प्यारी है। ये भी मैंने अमेजोन से ली थी ये लाइट और वो ड्रीम कैचर भी। रात में बहुत अच्छा लगता है, मैं सिर्फ लाइट बंद कर देती हूँ और यही लाइट चालू होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो या दिस इज द थिंग, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, बहुत ही एस्थेटिक लुक आता है। और या मैंने इस पे पिक्चर्स भी क्लिक किए हुए, मैं अभी लाइट लगा देती हूँ नहीं तो मैं भूत लगूंगी। और ये है मेरा और मेरे बहन का बेड, जो कि बहुत ही कम पड़ता है, फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। इंडियन फैमिली ऐसी होती है, एडजस्ट करना पड़ता है। सो राइट साइड की वॉल, पहले ये कर्टन्स देख लो, ये भी कस्टमाइज कर्टन्स किए हुए हैं, ये ग्रे कलर में जो कि बाहर मैंने दिखाया था वैसे ही कस्टमाइज किए हुए हैं। सो हमारे राइट साइड में है, ये न्यू लिया है, पहले ओल्ड किया करता था, लोखंड का था पहले, वो हमने दे दिया संदीप अंकल को जो कलरिंग वगैरह कर रहे थे रिनोवेशन का काम, सो उन्हें लग रहा था सो हमने उन्हें दे दिया। और ये न्यू ले लिया हम लोग ने, और इसके साथ भी ये ले लिया बुक्स के लिए, क्योंकि हमारे घर में इतने ज्यादा पढ़ाई करते लोग बहुत ही ज्यादा, मैं और मेरी बहन के बुक्स बहुत यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते, इसलिए मम्मी ने ये टेबल क्या उसे बोलते कबोर्ड ले लिया। इसमें सभी ऐसे कुछ तो बुक्स वगैरह हम रखने के लिए ले लिया। और इसके बाजू में है ये कूलर, जो हम ठंडी में बिल्कुल भी यूज नहीं करते, कुछ यूज नहीं होता उसका, सिर्फ गर्मी में मैं यूज करती हूँ। मम्मी ने तभी लिया था, इसी साल लिया था। सो या और ये है क्या, इसे अंदर शोपीस टाइप कुछ तो रखा हुआ है, और ये मैं हूं। सो या यहाँ पे सब डॉल्स है बचपन के, जो बचपन में मैं खेलती थी बट अभी नहीं खेलती हूँ। और यहाँ पे मेरी ट्रॉफीज है, मेरी बहन की ट्रॉफी है, यहाँ पे मेरी ट्रॉफी है, और ये मेरा प्यारा सा बचपन का नॉडी जो अभी तक है मेरे पास। सो यार दिस इज माय होल बेडरूम, और कुछ नहीं है दिखाने के लिए, इतना सा छोटा सा बेडरूम है हमारा, बहुत ही प्यारा है। और बेडरूम का कलर हमने पिंक दिया हुआ है, पिंक भी नहीं कह सकते, बेबी पिंक पीच कलर में है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने अंकल को बोल दिया कि हाँ ये कलर लगा देते। सो बहुत ही प्यारा लगता है, रात को भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। सो या सो गाइस दिस इज द बेडरूम। बेडरूम के बाहर आते ही हमारे ये 2 वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे बाथरूम है, कुछ दिखाने का कुछ है ही नहीं है। सो या यहाँ पे हमने भी पिस्ता कलर किया हुआ है, जैसे किचन कैमरे मैन गिरते हुए जो मैंने किचन में कलर किया था पिस्ता कलर, यहाँ पे भी हमने बाथरूम में किया। और यहाँ पे जो है मिरर है छोटू सा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जो भी मैंने दिखाया होम टूर, इतना 1 BHK था ये घर। सो या आपको कौन सी रूम अच्छी लगी, हॉल बेडरूम किचन जो भी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। सब मैंने सजाया हुआ है, मेरे मम्मी ने सब ये चीजें अमेजोन से मंगाए हुए थे, और होम डेकोर हॉल भी डाला था, वो आपको चेक करना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो या वो चेक करना। एंड मम्मी इकड़े, सो मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपके फैमिली को हैप्पी 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 दिवाली।
और घर में ही बेटो क्रैकर्स वगैरह कुछ मत जलाओ इस दिवाली में, थोड़े बहुत जलाओ फन के लिए, सुरसुरी वगैरह पाउस वगैरह उडू शकता तुम्ही। सो या मम्मी तुला काय बोलायचं आहे, खूप दिवस झाले ते सगळे होम टूरचा ब्लॉग मांगत होते, माझी मम्मी तर एवढी एक्साइटेड होती, मला रोज बोलत होती अगं टाक, पण मीच डिले करत गेली, कारण की मला दिवाळीमध्ये टाकायचा होता ब्लॉग स्पेशली, कारण की आपण दिवाळीमध्ये घर सजवतो वगैरे ना, त्यामुळे तुला काय बोलायचं अजून काय कसं घर खूप छान सजवलंय आणि अक्षताने सगळं डेकोरेशन केलंय, म्हणून तिला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब पण करा, नक्की करा आणि घरीच राहा, वॅक्सिनेशन घ्या, दोन्ही डोस घ्या आणि स्टे ऍट युअर होम, स्टे हॅपी, स्टे पॉझिटिव्ह ऑलवेज आणि या हॅपी दिवाळी, या बाय, हॅपी दिवाळी।